हेलो दोस्तों। इस रूबरू में आज हम बात करेंगे मंगेश जोगलेकर से। मंगेश डिफाइनेज के ही टीम में टेक्निकल एनालिस्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे वो काम करते हैं अपने चार्ट्स पे और काफ़ी पैशनेट है, वो चार्ट बार शेयर भी करते रहते हैं, तो जो भी वो स्टडीज़ करते हैं उसमें उनके जो पिक्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब वो काफ़ी प्रोसेस करके कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, टीम में भी यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो हमने देखा है कि उनका एक जो अप्रोच है वो स्टॉक पिक करने का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मेहनत भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा था उनके साथ, तो फिर ये आइडिया है कि एक बार ये चीज़ हम लोग प्रेजेंट करें। कुछ चीज़ें हमने फिल्टर की है, लेकिन वो जो भी वो फॉलो कर रहे हैं उसको जितना सिंपली हम लोग प्रेजेंट कर पाए वो इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है। तो हम उनसे ही समझते हैं कि वो क्या करते हैं और किस तरह से फॉलो करते हैं। एक चीज़ है यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा टास्क है, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा बात करते नहीं है, वो प्रेजेंट ज़्यादा करना पसंद नहीं करते, तो मुझे उनसे वो करवाना पड़ेगा। इसीलिए यही मेरे भी इस वीडियो में यही काम है, अदरवाइज़ वो खुद ही ये प्रेजेंट कर लेते। तो मंगेश, पहले तो ये बताइए, आप स्टॉक मार्केट में कितने टाइम से आप है, मतलब कितना आपका टोटल एक्सपीरियंस? स्टॉक मार्केट का मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। 2004 से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ और एज ऑन डेट सेम जॉब कर रहा हूँ 18 साल से। ओके, तो 18 साल से आपने ये सब देखा है, मतलब आपने काफ़ी मार्केट में के उतार चढ़ाव देखे। बहुत बहुत ठीक है। जो अभी आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, पहले तो ये है कि आपको समझना है मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे स्टार्टिंग से ये पूरा अप्रोच समझना है। तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, आप स्टॉक जो आइडेंटिफाई करते हो तो कुछ स्टेप्स में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ क्या करते हो आप? एकदम सिंपलीफाई वे से हम आज कोशिश करेंगे उसको सीखने का। मेरा प्रोसेस है टॉप डाउन अप्रोच का, उसमें मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं इंडेक्स सेक्टर एनालिसिस करता हूँ टॉप डाउन अप्रोच में। उसके बाद में सेक्टर एनालिसिस होने के बाद फिर स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम स्कैनर रन करते हैं टॉप डाउन अप्रोच का। स्कैनर ईओडी स्कैनर टॉप डाउन अप्रोच, इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा एनएससी ऑल इंडेक्सेस ग्रुप सबसे पहले। एनएससी ऑल इंडेक्सेस डिवाइडेड बाय निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। और इसमें हम 0.25% और 1% दोनों सिलेक्ट करेंगे, इससे मेरे को शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म दोनों का व्यू मिलेगा, इसलिए मैं दोनों सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे ये स्कैनर थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच स्कैनर है ये क्या करता है कि जो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टेड है वो एनएससी ऑल इंडाइसेस, मतलब सारे इंडाइसेस का एक ग्रुप है। फिर इसमें दो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वन और टू। तो डिनोमिनेटर वन है निफ्टी 50। तो ये स्कैनर क्या करता है कि वो ग्रुप के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको पहले डिनोमिनेटर वन से डिवाइड करता है। तो इस केस में निफ्टी, मान लीजिए ये इंडाइसेस में एक आईटी इंडेक्स है, तो आईटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, ये पहला एक चार्ट हो गया जो वो निकालेगा। तो ये रेशियो चार्ट हो गया एक तरह से, रिलेटिव स्ट्रेंथ, और उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे इस पर स्कोरिंग होगा। अगर बहुत स्ट्रांग है तो स्कोर 3 होगा, बहुत वीक है तो स्कोर -3 होगा, इस तरह से स्कोरिंग मैकेनिज्म है। तो ये हो गया पहला। दूसरे में क्या करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, टॉप डाउन अप्रोच और मल्टी डिनोमिनेटर। तो टॉप डाउन अप्रोच पे क्या करता है वो कि जैसे डिनोमिनेटर वन है उसको डिनोमिनेटर टू से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वन है निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 से पहले इंडेक्स ने डिवाइड कर लिया निफ्टी 500 से, सेकंड स्टेप है निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। ठीक है, तो पहला स्कोरिंग जो होगा वो इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी 500, दूसरा स्कोरिंग होगा निफ्टी 500 डिवाइडेड बाय निफ्टी 50। तो इससे ये होता है कि आपका जो इंडेक्स का पहले वो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपेयर टू लार्जर मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 500, और फिर निफ्टी 500 का स्ट्रेंथ क्या है कंपेयर टू निफ्टी 50, ये दूसरा उसका मैकेनिज्म है। तो इस बेसिस पे ये स्कोर होगा। और यहाँ पे है ना बॉक्स वैल्यू जो होता है, तो पॉइंट एंड फिगर में बॉक्स वैल्यू इज काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, मतलब 0.25% होता है जो शॉर्ट टर्म है और 1% जो है वो मीडियम टर्म है।
तो आप यहाँ पे दोनों ही बॉक्स पे दोनों स्कोर दो, करते हैं। दोनों स्कोर करता हूँ, इससे मेरे को शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म का पता चल जाए। मेरे को सिर्फ कल के लिए नहीं चाहिए, अगर एक आधे इंडाइसेस में अगर बाय आता है तो मुझे ये कल तो आने आया है तो मुझे कल भी चलेगा, एक दो दिन भी चलेगा, और अगर 1% भी सिलेक्ट है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी चलेगा, वो भी पता चलता है मुझे इससे। तो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों मीडियम टाइप टर्म का है, दोनों, शॉर्ट और मीडियम टर्म। और निफ्टी 500 ही क्यों पहला? निफ्टी 500 यूनिवर्स लेने का मतलब, निफ्टी 500 इज अ यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग। उसमें निफ्टी 50 है, एफएनओ स्टॉक्स है, मिड कैप है, एवरीथिंग, समेशन ऑफ ऑल। निफ्टी 500 में मैं समझता हूँ मार्केट का सब कुछ आ जाता है, एक मेरे परसेप्शन में, इसलिए निफ्टी 500 लेता हूँ। और निफ्टी 50 ये तो बेंचमार्क ही है, इसलिए दो घंटा। तो इस मेथड में पहले अब इंडेक्स निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे एंड देन, देन निफ्टी 50 से वो कंपेयर करेंगे, हाँ, तो पहला जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा वो वो इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 500 500 लार्जर मार्केट लार्जर व्यू, मार्केट पे, और जो दूसरा होगा वो कि 500 का परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर टू 50 निफ्टी स्टॉक्स। निफ्टी 50। ये स्कैनर स्कैनिंग के रिजल्ट आने के बाद इसको हम शॉर्ट करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे हमें ये पता चलेगा कि आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। हम ये शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने से हमें आउट परफॉर्मर इंडेक्सेस और अंडर परफॉर्मर इंडेक्सेस मिलेंगे। तो इस केस में निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, PSU, फिनसर, ये आउट परफॉर्मर हो गए। और अगर मैं उसको डिसेंडिंग शॉर्ट करूँगा तो फार्मा, स्मॉल कैप 50, कंजम्पशन, ये अंडर परफॉर्मर। तो इस स्कैनर से आप सेक्टर का स्ट्रेंथ या वीकनेस देख रहे हो, जिस यस सर, सेक्टर का स्कोर ज्यादा है वो स्ट्रांग स्ट्रांग है है, और जो जिस वीक है वो निगेटिव है, वो जिसका माइनस में वीक ज़्यादा है। वीक तो वीक। व्हाट इज और नेक्स्ट? हाँ, उसके बाद में मैं निफ्टी 500 पे ये रन करता हूँ। ये निफ्टी 500 पे इसलिए है कि वो मेरा ट्रेडिंग यूनिवर्स हो गया, तो ओके, उसमें से मेरे को स्टॉक मिलेंगे। तो क्या करते हो निफ्टी 500 सेम में रन? सेम प्रोसेस, स्कैनर, EOD स्कैनर, टॉप डाउन अप्रोच, निफ्टी 500 मेरा यूनिवर्स, निफ्टी 500 इसमें मैंने सेम स्कैनर मैंने रन किया टॉप डाउन अप्रोच का। उसमें मैंने न्यूमरेटर लिया है एज ए ग्रुप निफ्टी 500, और उसको डिनोमिनेटर 1 निफ्टी 500 और डिनोमिनेटर 2 निफ्टी 50 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहले आपने इंडेक्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा, मतलब वो इंडेक्स कैसा है उसका स्ट्रेंथ एनालाइज यस सर, किया, और अब आप निफ्टी 500 ग्रुप के स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 500 इंडेक्स से। यस सो आपको उसमें आउट परफॉर्मर अंडर परफॉर्मर मिलेगा, मिलेगा और निफ्टी 500 निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं वो आप देख रहे हो, एग्जैक्ट। ठीक है, उस बेसिस पे वो कैंडिडेट हो रहा है। तो बहुत बार ये होगा कि निफ्टी 500 ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में सबका एक स्कोर एक तरह से नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, बरोबर। और अगर वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो यू हैव अ कैंडिडेट जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 भी आउट परफॉर्म कर रहा है और वो स्टॉक जो है वो निफ्टी 500 को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? एग्जैक्ट। अभी हम इसको जैसे मैंने स्कैनर रन किया उसके बाद में जो रिजल्ट आते हैं उसको सेम टोटल स्कोर पे शॉर्ट करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ये आज के रिजल्ट रहे, उसमें से ये ओवरऑल रिजल्ट रहे, लेकिन इसमें से जो रिजल्ट आते हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये रिजल्ट में से आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मेंस कम से कम 4-5 स्टॉक रोज मिल जाते हैं जो आउट परफॉर्मर यानी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चले हुए या गिरे हुए स्टॉक तो ये जब परफॉर्म करते वक्त आपको वो सेक्टर एनालिसिस क्यों किया, मतलब क्या वो उसमें और इसका क्या रिलेशन है। था? हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए किया है कि मुझे ये स्टॉक पिक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है प्लेन चार्ट देख के, प्लेन चार्ट पे मेरे को सिर्फ ये पता चलेगा कि ये अगर आउट परफॉर्मर चार्ट है तो ये ऊपर जाएगा, अंडर परफॉर्मर है तो ये नीचे जाएगा या कंसोलिडेशन में। लेकिन मेरे बैकएंड में अगर ये स्टडी रेडी है कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है,
और ये पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो मेरा कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरी बात, अगर ये मेरे लिस्ट में आता है और मुझे उसका ब्रेकआउट मिलता है तो कन्विक्शन और सुपर स्ट्रांग होगा। ये उसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस है। तो जब ये सेक्टर आप निकालते हो इसमें से टॉप परफॉर्मर है, मान लो टॉप स्कोर है तो आउट परफॉर्मर है स्टॉक, तो वो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर से भी है क्या नहीं वो देखते हो? यस यस, अगर वो है तो वो आपके पिक्स में आता है, तो वो ज्यादा वो पहला प्रेफरेंस रहेगा मेरा। ओके, तो फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए काम आता है। और इसके बाद, इसके बाद फिर एंट्री, एंट्री मेरा बेसिक चार्ट पे होगा, प्राइस पे, प्राइस चार्ट पे। तो प्राइस चार्ट पे आप क्या देखते हो? अगर इसमें ये फिल्टर करने के बाद मान लो कैंडिडेट आ गया, फिर क्या देखते हो प्राइस चार्ट पे? अपना बेसिक एंट्री, मूविंग एवरेज के ऊपर का डबल टॉप बाय जाइए, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मेरे को टर्टल ब्रेकआउट या एबीसी ब्रेकआउट, जिसका लॉन्ग मींस ज़्यादा वाइड ब्रेकआउट हुए है अगर, तो वो अच्छा चलता है, तो वो मेरा पहला पिक रहेगा अगर रहे है तो। या मेरे को सिंपल एमए के ऊपर डबल टॉप बाय है तो भी चलेगा। दूसरा क्राइटेरिया स्टॉप लॉस अफोर्डेबल होना चाहिए, स्टॉप लॉस अफोर्डेबल होना चाहिए, पूरा एंकर कॉलम है या हाई पोल लो पोल हुआ ऐसा नहीं चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी उसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अभी ये देख रहे हो दो बॉक्स वैल्यू के लिए, जिसमें एक शॉर्ट टर्म भी है एक मीडियम टर्म भी है, तो इसमें फिल्टर करने के बाद आप इसमें प्राइस पैटर्न कौन से बॉक्स वैल्यू पे देखोगे? प्राइस पैटर्न मेरा 0.25 डेली पे भी होगा, और अगर डेली में उसका ऑलरेडी इट इज़ इन डबल टॉप बाय, वो बाय में है, और मुझे अगर उसका और टारगेट बड़ा बाकी है तो मुझे कल के लिए मैं उसको 0.15 पे 1 मिनट पे देखूंगा। ओके, तो पहले ईओडी चार्ट पे, पहले ईओडी चार्ट पे 0.25% बॉक्स वैल्यू, यस, देन अगर वो पॉजिटिव है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट। ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो? ट्रेड पहला प्रायोरिटी 0.25 डेली पे। ओके, और पोजिशनल ट्रेड? पोजिशनल ट्रेड रहेगा। अच्छा, और उसमें अगर स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है तो लोगे? स्टॉप लॉस अफोर्डेबल, ये तो पहले ही काम है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर उसमें ऑलरेडी बहुत रन अप हो चुका है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लोगे? एग्जैक्ट, अगर अब रन अप हो चुका है और फिर भी उसमें पोटेंशियल टारगेट उसका बाकी है तो मैं उसका फॉलो थ्रू के लिए 1 मिनट पे देखूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इस एंकर कॉलम में चलता है स्टॉक तो एंट्री नहीं मिलती, पहले भी दूसरी बार मैं जब रन करता हूँ, दूसरी बार तीसरी बार आ गया तो मेरे को तो एंट्री चाहिए, या परफॉर्मर है इसमें तो एंट्री चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर उसको 1 मिनट में जाके ट्रैक करता हूँ। तो अगर मैं समराइज करूँ इसमें तो प्रोसेस ये है कि पहले सारे सेक्टर्स देखने हैं विथ निफ्टी 500 एंड निफ्टी 500 टू निफ्टी 50, तो एक टाइप का टॉप डाउन अप्रोच हो गया, मतलब पहले एक बार इंडेक्स वर्सेस लार्जर ग्रुप देखा, फिर निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 50 देखा, उससे समझ में आया कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्मिंग है और अंडर परफॉर्मिंग है। उसके बाद निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर किया और निफ्टी 500 को निफ्टी 50 से कंपेयर किया, तो ये एक और टॉप डाउन अप्रोच हो गया। उसमें कुछ स्टॉक्स आए जिसमें हमें समझ में आया कि परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं, और उस स्टॉक्स में वो स्टॉक्स कौन से जो वो सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग है, करेक्ट? एग्जैक्ट, और उसमें से वो फिल्टर होने के बाद फिर उसमें प्राइस एनालिसिस किया कि कौन से प्राइस, कौन से स्टॉक्स में पैटर्न अच्छा है और ट्रेड अपॉर्चुनिटी है और अफोर्डेबल ब्रेकआउट, राइट? एग्जैक्ट। तो मुझे बताइए, अगर इसमें ये जो इतना हम टॉप डाउन का ना करते हुए हम सिंपल प्राइस से अगर कभी एनालाइज करें, या हम लोग कभी ऐसे करें कि पहले प्राइस ब्रेकआउट देखे और फिर वो परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, okay. अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट अगर हम देखेंगे ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, प्राइस ब्रेकआउट में हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन बैकएंड में अगर मेरा ये टॉप डाउन अप्रोच का रिलेटिव स्ट्रेंथ का अगर स्टडी है और उसमें अगर मेरे को पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है तो कन्विक्शन भी ज़्यादा रहेगा। और जैसे आप हमेशा कहते हो कि मुझे सिर्फ प्राइस पैटर्न से पता चलेगा ऊपर नीचे, लेकिन मुझे आउट परफॉर्म और सुपर परफॉर्म कौन कर रहा है ये ढूंढना है, तो मुझे वो आउट परफॉर्मेंस और सुपर परफॉर्मेंस उससे मिलता है। उसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे पीएसयू बैंक सेक्टर,
पीएसयू बैंक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लैकलस्टर और बहुत लोगों का एकदम डिसलाइक सेक्टर है। लेकिन अगर आप लास्ट डेढ़ दो महीने पे देखेंगे तो लास्ट दो महीने का परफॉर्मेंस है, पीएसयू बैंक इज द आउट परफॉर्मर। हर रोज मेरे लिस्ट में था, आज भी है और रहता है। तो उसमें अगर आप अच्छे खासे ट्रेड उसमें एनालिसिस करके ये अप्रोच आपका रहता और आप ट्रेड लेते तो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स 50% से लेके 100% तक बढ़े। आई एग्री कि हमेशा ऐसा रिटर्न नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपके प्रोसेस में ये रहता तो इस बार पीएसयू बैंक में आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते, अच्छे खासे। और सिर्फ एफएनडो के स्टॉक नहीं, एफएनडो यूनिवर्स के स्टॉक है ऐसा नहीं, उसमें कैश के भी स्टॉक है, वो भी स्टॉक 100% बढ़े। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, सिर्फ एफएनडो करने वालों के लिए है ऐसा नहीं। कभी ये भी होता ना कि जब मार्केट सडनली रिवर्स होता है तो जो स्टॉक या सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सडनली ड्रॉप होते हैं, वो नहीं करते, और जो अंडर परफॉर्म है वो करना है, ऐसा भी होता है? होता है, आपने पूछा, होता है ऐसा बहुत बार, क्योंकि ये तो होना है, आउट परफॉर्मर कंटिन्यूज आउट परफॉर्मर नहीं चलना है, वो रिवर्स होता है तो उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस, जो सिस्टम का स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस बचते हैं तो एग्जिट। तो नॉर्मली जब आप देखते हो कि ये सेक्टर्स परफॉर्मिंग होते हैं, बहुत बार अभी जैसे आपने एक पीएसयू बैंक का एग्जांपल दिया, ठीक है, अंडरस्टूड के वो चला और उसके बाद वो आपके लिस्ट में था और ऑलरेडी आ गया। अब मान लो कभी कभी वो सेक्टर ऑलरेडी बहुत चल गया है फिर भी लिस्ट में आ रहा है, फिर कभी कभी वो डर लगता है कि यार ऑलरेडी इतना चला है अब और लेना है क्या, तो ऐसे टाइम पे क्या अप्रोच होना चाहिए? उसके लिए भी वही रिप्लाई कि आउट परफॉर्मर है और मेरे लिस्ट में है और उसका फिर भी मेरे को प्राइस पैटर्न में अगर अफोर्डेबल स्टॉप लॉस से एंट्री मिलता है तो मैं लूँगा, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस कहाँ तक और कब तक चलना है ये मुझे पता नहीं। वो जब तक रिवर्स नहीं होता और मेरा प्राइस, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नहीं बचता तब तक उसको राइड करना है। उसका मैंने इसलिए तो पीएसयू बैंक का नाम लिया सर, पीएसयू बैंक इसलिए लिया सर, 50% सुपर, मैं आपको बाद में लास्ट में एकदम वो स्क्रीन दिखाता हूँ, परफॉर्मेंस टेबल, 50% और 100% रिटर्न इन वन मंथ इन नॉट जो, ये एक इस टाइम हुआ है, लेकिन ये रिटर्न भी आप कमा सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब है। जो आपने पूछा सवाल उसका जवाब कि वो कब तक चलेगा, वो चलते रहता है, रोज है, चलते रहता है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली क्या होता है कि ये कितना चलेगा कितना चलेगा, उस चक्कर में कभी कभी हम चलने वाले स्टॉक्स को सिर्फ देखते रहते हैं और वो परफॉर्म करते रहते हैं और हम लोग बाकी वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि कभी अगर आप पोर्टफोलियो भी करो तो मिक्स ये होना चाहिए कि एक तो परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स है उसमें वेटेज होना चाहिए, कुछ एक वेटेज हो सकता है जो पोटेंशियल आउट परफॉर्मर है, लेकिन उस चक्कर में उनको नहीं इग्नोर करना चाहिए जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक सिंगल और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है इस वीडियो का। ऑलराइट, मेरा एक इसमें लास्ट था कि जो आप सेक्टर वाला चीज कर रहे हो, वो प्रोसेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद डी सेक्टर्स आल्सो? कर सकते हैं, डी सेक्टर यानी इसी का ही वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो इजी हो जाएगा। हाँ, तो डी सेक्टर्स में एक्चुअली तीन चार टाइप के मैकेनिज्म है, मतलब उसमें हम सारे सेक्टर्स का निफ्टी बेंचमार्क के साथ भी आउट परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं और उन आपस में भी स्टॉक ईच सेक्टर वर्सेस एवरी अदर सेक्टर वो भी कैलकुलेट करते हैं, उसका प्राइस है टू स्ट्रेंथ ब्रेथ मोमेंटम ये सब का एक कैलकुलेशन करके एक स्कोर है। सो उसमें चार कैटेगरी में वो डिवाइडेड है, तो टॉप परफॉर्मर्स है, अंडर परफॉर्मर है, और ये इससे हमें समझ आ सकता है कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड बाद में जो ये प्रोसेस जो मंगेश जी ने समझाया है वो एक फॉलो कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। और एक छोटी सी बात ये कहनी है कि अगर आप देखेंगे कि ये लास्ट डेढ़ से दो महीने में कम से कम आठ हफ्ते हो गए, लास्ट सात से आठ हफ्ते में अगर बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो उसने कुछ मूवमेंट नहीं दिया है, वो रेंज बिटवीन 1800 to 18,500 ही है। इंडेक्स ट्रेड करने वालों को उसमें कुछ नहीं मिला है, पिप्सो ही हुए कि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत से स्टॉप लॉस ही बजे हैं, ट्रेड नहीं मिला है इंडेक्स ट्रेड करने वालों को। लेकिन आपके
अगर आपका ये प्रोसेस रहता तो आपको PSU बैंक जैसा, प्राइवेट बैंक जैसा बैंक सेक्टर मिलता जो आउट परफॉर्मर है उसके कैंडिडेट, और आपको इस मार्केट में भी ट्रेड मिलते और अच्छे खासे रिटर्न उसमें मिलते। थैंक यू मंगेश ये सब शेयर करने के लिए। तो ये एक अटैम्प था एक्चुअली, ये बहुत सारा काम करते रहते पूरा टाइम, ये स्कैनर और फाइल खोल खोल के फिर पिक्स शेयर करते हैं सबके साथ, और हमारे वो जो डीलिंग डेस्क में वहाँ पे भी वो बातें करते रहते स्टॉक्स का। तो मैंने सोचा, और काफ़ी इंप्रेसिव काम रहता है उनके जो स्टॉक्स वो जो निकालते हैं उसका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करें, वो अकेले क्यों करें, हम सब कर सकते हैं। तो दैट वॉज द मोटिव। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।